कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब के लिए जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, यानी पहला स्टेज जो होता है, जो क्वालिफाई करना होता है किसी हाल में, तब जाके हम कोई जॉब पा सकते हैं, वो है हमारा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए क्यों ना हो, कोई भी गवर्नमेंट के लिए क्यों ना हो, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सबसे पहला हमारा यही होता है कि टाइपिंग जो टेस्ट होगा इसको हमको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आगे का काम आपका होगा। तो टाइपिंग तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट हमारा टाइपिंग स्पीड कितना है ये हमारा पता हमको नहीं रहता है। इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है, ठीक है, जैसे कि आप लोग, हो सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टाइप कर लेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइप कर लेंगे, वर्ड्स भी आप पता कर सकते हैं, लाइन भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी आप पता नहीं कर पाएंगे कि एक्यूरेसी कैसे है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का टेस्ट देना चाह रहे हैं या देंगे कभी, तो उस, या तो आप अगर कहीं कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपका टाइपिंग स्पीड क्या है ये सेल्फ आप एग्ज़ाम करना चाह रहे हैं कि मेरा स्पीड कितना है, तो ये आप इस वीडियो के थ्रू आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको पता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, कोई भी पैराग्राफ हम लोग टाइप कर लेते हैं, तो इसमें होता है कि नीचे हमको स्टेटस बार में लिख देता है कि हमारा कितना वर्ड्स टाइप हो चुका है, ये तो हम पता कर सकते हैं, कितना लाइन्स हमारा पता है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कितना लाइन्स है, कितना वर्ड्स है, ये पता चलेगा। टाइमिंग हमको अपने से ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। एक्यूरेसी दैट मीन्स क्या कि हम जितना भी टाइप किए हैं इसमें मेरा गलती कितना हुआ है। ठीक है, गलती कितना हुआ है, यानी कितना टाइम्स हम बैक स्पेस को प्रेस किए हैं, ये इसमें एक्यूरेसी यानी पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कि हमको एक्यूरेट जो भी हमको टाइप करना है टाइप कर रहे हैं उसमें से कुछ गलती ना गलती तो ज़रूर होगा। ठीक है, गलत होगा तो हमको बैक स्पेस प्रेस करना है, तो गलती होगा मिटाना है। ठीक है, तो हमको एक्यूरेसी भी हमको पता करना है और एक्चुअल हमारा जो टाइपिंग स्पीड है ये भी हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है और ये अगर आप कर लेंगे इस या इसी के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, इसको देखिए क्या करना है। सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी आपको ब्राउज़र आपको ओपन करना है, चाहे गूगल क्रोम का हो, फायरफॉक्स का हो, ऑपेरा, कोई भी एक आपको ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो एड्रेस बार है इस एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे मंकी टाइप .com। ये याद रखिएगा, किसी भी ब्राउज़र में जाइए, ठीक है, उस ब्राउज़र में जाके आपको एड्रेस बार में आपको टाइप कर देना है monkeytype.com। सेकेंड आपका काम क्या है, ये टाइमिंग आपको यहाँ पर लेना है और टाइमिंग आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितना टाइमिंग का आपको टेस्ट करना है सेल्फ। ठीक है, जैसे 15 है, 30 है, 60, हमको 60 का करना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए देखिएगा WPM रहता है कि 30 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में हमको उतना शब्द टाइप करना है। तो यहाँ पर हम इसमें देखिए टाइम सेकंड में रहता है, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है 60। इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए जो शब्द यहाँ पर है, जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस भी देना है और हमको इसको टाइपिंग करते जाना है। जैसे ही ये 60 सेकंड पूरा होगा वो अपने आप स्टॉप होगा और आपको बता भी देगा कि कितना आपका एक्यूरेसी कितना है, कितना वर्ड्स आपका पर मिनट आपका टाइपिंग हो रहा है। इस तरह से आपको यहाँ टाइप करते जाना है, ठीक है, और स्पेस भी देना है, ये ध्यान रखिएगा, और जितना आपका स्पीड है उस स्पीड में आपको टाइप करते जाना है और एक्यूरेसी मेंटेन करना है कि ज़्यादा गलती नहीं हो। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपका टाइपिंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा। चलिए, इस तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड अगर वीडियो आपको पसंद आता है या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए कंटिन्यू टाइप करते जाना है और जब आपका टाइमर देखिएगा ये ऑन जैसे किया हुआ है सेकेंड्स में, जब भी आपका ये 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप हो जाएगा, और जब स्टॉप हो जाएगा तो आपको पूरा रिजल्ट भी दिखेगा कि पर मिनट आप कितना वर्ड टाइप किए हैं और आपका कितना परसेंट एक्यूरेसी था। तो चलिए थोड़ा और है, 14 सेकंड उसको टाइप कर लेते हैं। ये टाइप करने समय आपको रुकना नहीं है, जब आप स्पीड टेस्ट कर रहे होंगे आपको कंटिन्यू आपको टाइप करते रहना है और कोशिश कीजिए
स्पीड हो। आप देखिए, ये दिखेगा आपको,